हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल म्यूजिक वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल बॉलीवुड में कुछ गिने चुने ही महान गायक हैं जो कि कमाल के सॉन्ग निकालते हैं। तो कुछ दिन पहले ही दिल दहला देने वाला एक सॉन्ग निकाला गया है टी सीरीज के चैनल पे, जो कि मिलिंद गब्बा का सॉन्ग है। तो आइए देख लेते हैं ये सॉन्ग कैसा है। हेलो गाइस, इट्स चोवन एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज, इट्स रोस्टिंग टाइम। तो सॉन्ग स्टार्ट होते ही इसमें फटे हुए ट्रम्पेट की आवाज आने लगती है। जिसमें मिलिंद गब्बा की सुरीली आवाज आने लगती है। ये बताते हुए कि ये सॉन्ग पे म्यूजिक किसने दिया है। म्यूजिक के एमजी। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये जो भोजपुरी सॉन्ग चलते चलते बीच में जो डिटेल देते है ना, म्यूजिक बाय मनोहर लाल दरभंगा 7089743, ये उससे कम नहीं लग रहा बिल्कुल। अरे ये तो अपना टॉमी है। गर्ल साहब, जरा देखिए तो सही कौन आया है। अरे टॉमी, टॉमी मेरे बेटे। अरे टॉमी कहाँ चला गया था तू? भोसड़ी के घर पे बैठे बैठे बोर हो गया था तो पार्टी करने गया था। इस हरामी ने मुझे वहाँ भी ढूंढ लिया। अच्छा भला बेब के साथ नाच रहा था। तो जब मैंने ये वीडियो पहली बार देखी तो मिलिंद गब्बा एंटर करते हुए एक कुत्ते से टकरा जाता है और मुझे लग रहा था कि कहीं यही हीरोइन तो नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे म्यूजिक वीडियोस में यही कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। फिर बाद में पता चला कि हीरोइन तो मटकते मटकते आ रही है। ये कह रहा है कि सॉन्ग करने गया था स्टेज पे एंड नो वन गिव्स अ फक। पहले ये ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि इसे लिरिक्स ही नहीं पता है या लिरिक्स दिख ही नहीं रहे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां। लिरिक्स अगर तुझे आता ही नहीं है तो ये ओला 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 क्या कर रहा है बीच में? ऑन द पॉइंट म्यूजिक बनाने गया था क्या स्टेज पे? और तू ओला का ड्राइवर है जो पार्टी में आके कस्टमर ढूंढ रहा है। बेटे ये लोकल टैक्सी स्टैंड नहीं है। जाए गांधी मैदान, गांधी मैदान मैडम, गांधी मैदान जाएगी। कुछ तो ओला कंपनी की भी इज्जत रख लो। और उसके बाद ऐसे रिएक्शन दे रहा है जैसे कि अरे इसके लिरिक्स तो अपन को आते हैं। लिरिक्स देखने की जरूरत नहीं है, अब चश्मा नीचे कर लेता हूँ। गजब तू भी आज आदमी। और यही से एंट्री होती है हमारे हीरोइन की। ओए होए, तू मुझे ही देख के गा रहा है। पिछले साल तुझे दे बैठा दिल में। अच्छा तो लॉकडाउन में प्यार हुआ है भाई को। तेरे सिवा बोल किसके भरू बिल में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, घर का रेंट, कॉलेज की फी सब बाकी है। इतना पैसा है तेरे पास तो भर मेरे बिल। एंड लड़की भी लाइक, तू मेरे लिए गाना गाया? बाजू में आ, तू बाजू में आ। और ये कुत्तों की तरह गाने को बीच में छोड़ के चला गया। साले कुत्तों की जिंदगी। एंड वही कुत्ते की आवाज सुनकर टोमी वहाँ पहुँच जाता है। साला ये मेरी आवाज कौन निकाल रहा है? नाचेंगे सारी सारी रात आंग उठाके। और ये तो ड्रैगन बॉल जी का मूव क्यों कॉपी कर रहा है? सुशी खाने वाली वो सुशील सुंदर छोरी। आय हाय, सुशी मतलब सुशील। किस्मत का खा रहे बहनचोद। पीछे लड़की भी लाइक, तू गाना गा, मैं तो फुल एंजॉय करेगी। जब ये मेकअप करती है ना, मास्क नहीं लगाती है। लाइन सुन रहे हो भाई की? जब ये मेकअप करती है ना, मास्क नहीं लगाती है। एक और लड़का जिसे लगता है कि उसकी वाली अलग है। इसे लगता है बाकी लड़कियां तो मेकअप करते वक्त मास्क लगाती है, पर मेरी वाली सबसे अलग है भाई। और तुझ पे ऐसे मैं लिख दूं ऐसे, तू है एंजल धरती पे आई कैसे। ओ महंगी महंगी तेरी ड्रेस से, तू चिंता मत कर मेरे कोल बथेरे पैसे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मतलब कि से जितना लाइन मुंह में आया सब बोल डाला। ऐसे कैसे वैसे पैसे। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। जैसे मैं बनाता हूँ, मेरे वीडियो सोसाइटी को मैसेज देते हैं, समाज को संदेश देते हैं, उन्नति लाते हैं। अरे ऐसे कुछ बनाओ। बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े शपड़े धोने नहीं दूंगा। एक सेकंड, ये लाइन हनी सिंह के ब्रेकअप पार्टी वाली लाइन का ऑपोजिट नहीं लग रहा तुम्हें? चोरी किया ना, चोरी किया ना। तुम मुझे भूल जाओ, जाने मन ये कभी होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इतना प्यार करूंगा चैन से सोने नहीं दूंगा। क्या कहना चाहते हो बे? ओके,
जब मैं ये लाइन सुन रहा था तब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था। समझ रहे हो ना? मैं बैठ के सोच रहा था साला मेरा दिमाग बिल्कुल गंदा हो चुका है। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। ऐसे कौन घर छोड़ता है भाई, और लड़की पीछे बैठ के इंतजार कर रही है। साला स्टार्ट कर स्कूटी भोसरी के, मेरे को घर भी जाना है, गाना बाद में गा लेना। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स में लाते रहता हूँ। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह टोनी कक्कड़ के अच्छे गाने को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था और लास्ट में उन्होंने क्रीन सॉन्ग वाला रास्ता अपना लिया फेमस होने के लिए, उसी तरह मिलन का भी बहुत जबरदस्त गाने बनाते थे पर अच्छे सॉन्ग्स पे व्यू ना आने की वजह से आज वो भी क्रिंजी सॉन्ग बनाने लगे हैं। अगर तुम अच्छे गाने को सपोर्ट करोगे तो आर्टिस्ट ऑब्वियसली अच्छे गाने ही बनाएगा। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि टोनी कक्कड़ एंड मिलन का अच्छे सॉन्ग बनाते थे पहले, तो डेमो दिखा देता हूँ मैं। जाने मेरी ये, मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा, तू कर ले यकीन। नींदों को उड़ाई जाए, हर आशिक कर जी उठाई जाए। का बवासीर बना दिया। तो ये था आज का वीडियो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, एंड ये भी बताओ कि नेक्स्ट रोज मुझे किस सॉन्ग पे निकालना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।